सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो वीडियो है एक ब्लॉग होने वाली है, क्योंकि आज मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ या अभी मैं अपने घर पर ही हूँ, और आज YouTube फैमिली के एक मेंबर से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए गाड़ी पे तैयार हो चुका हूँ, अब जाते हैं मिलने। मुझको जाना है अपने घर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर, और आज का ब्लॉग उसी के ऊपर होने वाला है। आज तो गाइस चलते हैं। दोस्तों, ये डोईवाला मार्केट है जो लॉकडाउन की वजह से पूरी तरीके से बंद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सन्नाटा यहाँ पर छाया हुआ है। जोली ग्राउंड पहुँच चुके हैं। ये देखिए जो चौक है, ये हिमालयन चौक है, जो हिमालयन हॉस्पिटल है जोली ग्राउंड में, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। आगे रानी पोखरी की तरफ बढ़ रहे हैं। रानी पोखरी जो है एक जंगल के किनारे, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये एयरपोर्ट है, ये रोड एयरपोर्ट की तरफ को जाता है, और आगे रानी पोखरी है। अभी नदी का पुल आएगा, उसके बाद रानी पोखरी स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा एरिया है जंगल के किनारे किनारे, आप देख सकते हैं। लेकिन गर्मी बहुत है अभी, और ये रानी पोखरी का जो है पुल आ चुका है। ये देखिए आप कितनी हरियाली है, नदी के अंदर भी जो है पेड़ लगे हुए हैं। ये देखिए आप, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और इस नदी में पानी जब बारिश होती है तभी पानी आता है, रेगुलर पानी इसमें नहीं चलता है। ये देखिए आप, सूखी पड़ी है नदी, गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से पानी नहीं है, और वैसे भी बारिश का पानी ही इसमें आ पाता है। जंगल में जितना भी पानी बरसता है वो इकट्ठा होकर इस नदी के जरिए नीचे निकल जाता है। हमारे इधर क्या है, 5 बजे तक दुकानें खुल रही हैं यहाँ से, और उसके बाद लॉकडाउन है। और अभी पुलिस वाले खड़े थे रानी पोखरी चौकी के पास, निकल तो मैं आया, अब लगता है कि जाते हुए मुझको परेशानी होगी। तो चलो देखते हैं ऊपर वाला साथ में है, क्या होता है। अब पहले भाई को फ़ोन कर लेते हैं जिससे मिलने आए हैं, यहीं कहीं पर उनका घर है, तो उनको फ़ोन कर लेते हैं पहले। भाई जिस भैया से मिलने आया, भैया मिल गए हैं, और भैया का नाम है, क्या नाम है, संदीप, संदीप है भैया का नाम, और ये मेरे क्षेत्र के ही हैं। तो इनसे, इनका फ़ोन आया था तो इनसे बातचीत हुई, तो इनसे आज मिलने आ गया मैं। नमस्कार मेरा गुरजीत भाई, आज हमसे मिले, काफ़ी काफ़ी खुशी हुई। आज भाई के पास आए थे और भाई से बातचीत के बाद हुई। भाई जो है रेगुलर वीडियोस वगैरह देखते हैं, इनका इंटरेस्ट है वीडियो में, तो बहुत अच्छा लगा आज इनसे मिलके। इन्होंने अच्छी सेवा पानी भी करी है, खाना वाना भी खाया भाई के पास, इनकी फैमिली से भी मिले, बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके। दोस्तों कहीं ना कहीं जब ऐसे सपोर्ट मिलती है वीडियो देखने वालों की, इस तरह से इज्जत मिलती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ कुछ काम कर रहे हैं हम, जो कहीं ना कहीं किसी की हेल्प कर रहा है, या कहीं ना कहीं एक दिशा में हमको लेके जा रहा है।
तो भाई से मुलाकात होगी, अब जाने का टाइम है, जो भी भाई से बात और है एक हुई। बात और कहना चाहूँगा, जुड़े रहिए, गल्फ की सारी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल गुरजीत भाई से, बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज अब इनसे विदा लेते हैं और चलते हैं अपने घर की तरफ। दोस्तों वापस बहाने वाले पहुंच चुके हैं और देखिए नज़ारा, हाँ 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 मज़ा आ रहा है। लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया अच्छी है इधर बहाने वाले में, बल्कि डोईवाला से ज़्यादा अच्छा रोड और ये लाइटिंग आप देख रहे हो, स्ट्रीट लाइट डोईवाला में बहुत अच्छा है। और आप ये देख सकते हो, ये देखिए डोईवाला एंटर होने वाले हैं। ये फ्लाईओवर है जो सीधा हरिद्वार से देहरादून जा रहा है, और पहले डोईवाला से होकर गाड़ी को जाना पड़ता था, लेकिन अब जो हरिद्वार या ऋषिकेश से लोग देहरादून जाना चाहते हैं वो डायरेक्ट इस फ्लाईओवर से चले जाते हैं, उन्हें डोईवाला जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गाइस घर पहुंच चुका हूं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज और रात के 10 बज चुके हैं। मैं जब उनके घर में गया, उनके माता पिता से मिला, उनसे मिला, उनके भाई से मिला, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा इज्जत दी उन्होंने, जिसे देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं लगा कि कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ YouTube के ऊपर जिससे लोगों में कहीं ना कहीं इज्जत भी बनी हुई है और कहीं ना कहीं सही इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है, जिसकी वजह से जो लोग जो है इज्जत देते हैं। तो भाई ने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करा, अपने घर में खाना खिलाया, चाय पानी पिलाया, बहुत अच्छा लगता है ऐसे देख के। दोस्तों इन्हीं चीज़ों से जो है मुझको इंस्पिरेशन मिलती है, ऐसे ही बहुत सारे भाई हमें मिलने आते हैं, लेकिन मैं अधिकतर वीडियो नहीं बना पाता हूँ। जब मैंने भाई से पूछा कि भाई आपका कोई सवाल है सौदे से रिगार्डिंग या किसी तरीके से, तो कह रहा नहीं, मैं आपकी रेगुलर वीडियो देखता रहता हूं, मैं बस आपसे मिलना चाहता था। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखें, सऊदी अरब या हैवी ट्रक ड्राइविंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिससे हमारे नए भाई जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं या फिर गए हुए हैं उनको कुछ ना कुछ मदद मिल पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो यार लाइक ज़रूर करना। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के लाइफस्टाइल ब्लॉग में और भी बनाऊँ तो कमेंट में ज़रूर लिखना। चैनल पर नए हो तो यार चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं हूँ गुरजीत सिंह, मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।